जुपिटर 6 अप्रैल से 6 महीने बाद मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का, वो आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं सुविज्ञेंदु सुत आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस जुपिटर ट्रांजिट वाली वीडियो में। तो आइए, आपको ज़्यादा वेट ना करवाते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जुपिटर 6 अप्रैल से कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि में गोचर करेंगे। जो पिछले 6 महीने से मकर राशि में गोचर कर रहे थे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुपिटर एक राशि में लगभग 12 महीने के लिए गोचर करते हैं, पर कुछ स्पेशल प्लेनेटरी रीजंस के वजह से जुपिटर ने मकर राशि में केवल 6 महीने के लिए गोचर करा। अब 6 अप्रैल से जुपिटर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, जो 14 सितंबर को वक्री होके दोबारा मकर राशि में गोचर करेंगे 2 महीने के लिए। तो जुपिटर का ये कुंभ राशि में जो गोचर है, वो आपके लिए कैसा रहेगा, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर आने वाली ऐसी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो जो नीचे बेल आइकन है उसे दबाएं, इसी के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि जुपिटर की नीच राशि होती है। तो जो जुपिटर का मकर राशि में गोचर था, वो ज़्यादातर लोगों के लिए मिक्स रिजल्ट देने वाला रहा है, पर जुपिटर का ये गोचर ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कुंभ राशि है वो काल पुरुष की हॉरोस्कोप में 11th हाउस में बनती है। तो ये वाला गोचर फाइनेंशियली, पर्सनल और हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। इकोनॉमी जो पिछले एक साल से लॉस में चल रही थी, वो धीरे धीरे रिकवर करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे कम होगी। तो ये गोचर ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। जो लोग काफ़ी टाइम से अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एक्सपेक्टेड जॉब ऑफर्स मिलेंगे। इसी के साथ ये जो गोचर है, वो बिजनेसेस के लिए भी अच्छा रहने वाला है। आपका बिजनेस जो लॉस में चल रहा था, या फिर काफ़ी टाइम से आप जितनी उसमें एफर्ट्स डाल रहे थे, वैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उसमें नहीं मिल रहे थे, तो इस गोचर के बाद आपका बिजनेस भी ट्रैक पे लौटेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, वैसे ही एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ इस गोचर में इंडिया का नेम फेम भी इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं जुपिटर का एक्वेरियस राशि में गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। पहला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं, उनको इस बार प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें अनएक्सपेक्टेड बिजनेस डील्स मिलेंगी। इसी के साथ पर्सनल लेवल पे आपकी जो फैमिली में काफ़ी टाइम से आर्ग्यूमेंट्स की सिचुएशन बन रही थी, उसमें रिलीफ मिलेगा और फैमिली में शांति का एनवायरनमेंट बनेगा। टॉरस यानी कि वृष राशि वालों के लिए भी ये गोचर पॉजिटिव रहेगा। आप लोगों को जो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, आप जो भी काम कर रहे थे उसमें आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अब सिचुएशन बदलेगी। आप जितने एफर्ट्स डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिलीफ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ टॉरस और वृष राशि वाले लोग जो काफ़ी टाइम से अनएम्प्लॉयड थे, तो आपको भी एक्सपेक्टेड जॉब मिलेगी। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला रहेगा। काफ़ी टाइम से जो आप अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे, उसमें रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ आप लोगों के अंदर अलग ही एनर्जी और कॉन्फिडेंस आएगा, जिसका इफेक्ट आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने को मिलेगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट मिक्स रिजल्ट देने वाला रहेगा। आपकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जो लोग जॉब करते हैं, उनका अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र भी हो सकता है। हालांकि आपके जितने भी फाइनेंशियल टारगेट्स होंगे, इस बार आप उन्हें इजीली अचीव कर लेंगे।
लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला रहेगा। आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यानी कि प्रोफेशनली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अनएक्सपेक्टेड बिजनेस डील्स भी इस बार मिलेंगी। वीरगो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा, आपके कैरियर में ग्रोथ होगी, इसी के साथ आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी। हालांकि आपकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट नॉर्मल रहेगा। काफ़ी टाइम से आपकी फैमिली में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे और टेंशन का जो एनवायरनमेंट बना हुआ था उन सभी से आपको रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ आपको लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये ट्रांजिट प्रॉब्लम्स लाने वाला रहेगा। आप लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो अच्छा ये रहेगा कि आप जितना आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करेंगे। इसी के साथ आपको इस ट्रांजिट में फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी यानी कि आपके जितने भी फाइनेंशियल टारगेट्स होंगे उन्हें आप इजीली अचीव कर पाएंगे। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए ये ट्रांजिट पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला रहेगा। आप लोगों के अंदर एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा यानी कि आप अपने जो भी प्रोफेशनल टारगेट्स हैं उन्हें अचीव कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसी के साथ जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। आपको इस ट्रांजिट में कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपने जितने अपने प्रोफेशनल टारगेट सेट किए हुए हैं उन्हें आप इजीली अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ जो लोग बिजनेस करते हैं आपको इस ट्रांजिट में कोई अच्छी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये ट्रांजिट नॉर्मल रहेगा। आप लोगों को थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए, तो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है। हालांकि काफ़ी टाइम से आप लोग जो यूजलेस एक्सपेंसेस यानी कि बेकार के खर्चों वाली जो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। पाइसिस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए ये ट्रांजिट प्रॉब्लम्स बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपने टारगेट्स अचीव करने से थोड़ा रह जाएंगे यानी कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी आप डालेंगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, अपनी मेहनत करते रहें। इसी के साथ आपके यूजलेस एक्सपेंसेस की भी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी तो इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई भी सोच समझ के करें। तो ये थी जुपिटर की कुंभ राशि वाली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप हमसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस का को पूछना चाहते हैं तो ये जो नीचे नंबर दिया है इस पे आप कॉल करें और हमारी टीम से बात करें, वो आपको सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।